इस विकास दुबे अपराधी के ऊपर स्वर्गीय संतोष शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, थाने के अंदर घुसकर मारने का मामला दर्ज है, अपने चचेरे भाई को मारने का मामला दर्ज है, एक विद्यालय के प्रबंधक थे सिद्धेश्वर पांडे जी, स्वर्गीय सिद्धेश्वर पांडे जी, उनको उनकी हत्या का मामला दर्ज है, 7 से अधिक मामले दर्ज है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की खबर कोई पत्रकार कर दे उसको जेल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कोरोना आंकड़ों पर कोई सवाल उठा दे उस आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सैंड माफिया के खिलाफ कोई पत्रकार लिख दे तो उसकी हत्या हो जाएगी गुनाह में। और एक दुर्दांत अपराधी पिछले 2.5 साल से घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बता रहे हैं वो 25,000 का इनामी है। तो आपको 25,000 का इनामी योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, क्यों नहीं जेल भेज पाई? और जिन उत्तर प्रदेश के बहादुर पुलिस वालों को आपने भेजा इस दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम था कि नहीं था, मैं पूछना चाहता हूं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम था या नहीं था, उनके पास आधुनिक हथियार थे या नहीं थे, उनके पास इन दुर्दांत अपराधियों से लड़ने के लिए पर्याप्त पुलिस बल था कि नहीं था, क्योंकि हमारे 8 बहादुर जवानों की जान गई है, उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, हमारे पुलिस के जवान वो शहीद हो गए, उनकी जान चली गई। कभी आपने इतनी बड़ी घटना नहीं सुनी होगी, और इसका मतलब कि संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी जी दावा करते हैं हमने संगठित अपराध खत्म कर दिया, योगी जी कहते हैं हमने संगठित अपराध में सबसे करारी चोट पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संगठित अपराध चल रहे हैं और समानांतर सरकार चल रही है इन अपराधियों की। इन अपराधियों से वहां का प्रशासन भी कार्रवाई करने में डरता है। इन अपराधियों की एक समानांतर सरकार चलती है उस इलाके में, सब कुछ ये करते हैं, इनकी मर्जी से होता है। इस संगठित अपराध को तोड़ने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए अब तक योगी जी ने क्या किया? मैं समझता हूं पिछले 3.5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की हालत हुई है, और ज्यादा दूर मत जाइए, 24 घंटे का आंकड़ा उठाकर देखिए, प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या एक परिवार की होगी, गाजियाबाद में हत्या, अमरोहा में हत्या, 24 घंटे में 18 हत्या उत्तर प्रदेश में। ऐसे जंगल राज को चलाने वाले योगी जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और पिछले 20-25 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है अपराध के मामले में, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो गृह मंत्रालय लेके बैठ जाता है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वही गृहमंत्री के ऊपर कब्जा किया, गृह मंत्रालय के ऊपर कब्जा किया रहता है, क्योंकि उसको पुलिस तंत्र को अपने हाथ में रखना, उससे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है, हम जानते हैं, छुपी बातें नहीं। अब क्यों लेके बैठे हुए? महाराष्ट्र ने एक प्रयोग किया कि वहां गृह मंत्रालय अलग किसी मंत्री के पास होता है, एक मंत्री देख पाता है कम से कम अपराध को कि कैसे उसको नियंत्रित करना है। आप सारे विभाग लेके अपने पास बैठेंगे, आप सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जंगल राज खत्म करने की दावा करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करेंगे, वोट उसी के नाम पे मांगेंगे, सत्ता उसी के नाम पे लेंगे, लेकिन कार्रवाई के स्तर पे कुछ नहीं। अपराधियों के लिए ऐसा बन गया उत्तर प्रदेश। मैं मांग करता हूं, प्रभु से सबसे पहले प्रार्थना करता हूं, हमारे जो ये 8 वीर जवान शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनकी आत्मा को
प्रभु शांति प्रदान करे, ईश्वर शांति प्रदान करे, उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और ये जो अपार कष्ट उनके परिवार के ऊपर पड़ा है उसको सहन करने की शक्ति दे। योगी जी को उन जवानों का जीवन तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में उनके परिवार के साथ योगी जी को खड़ा होना चाहिए, उनके घावों पे मरहम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि सभी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को दिया जाए। जिन जिन पदों पे थे उन्हीं पदों पर उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए और इस घटना की संपूर्ण उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए किन परिस्थितियों में ये हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं, उनके पास किन किन संसाधनों का अभाव था जिसके कारण आज उनकी जान गई है। कितने दुर्दांत अपराधी को 2.5 साल तक खुलेआम बाहर कैसे रहने दिया योगी सरकार ने, इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। कल पूरे उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रत्येक जिला इकाई प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और इन जवानों के लिए जो जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है अपराध से लड़ते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। उन जवानों को हम सर झुका के नमन करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं।